नमस्कार, चाइना 24 में आपका स्वागत है। सोलापुर से जुने चंदा, अभी इस वक्त हम कुंभारी घरपुर में आए हुए हैं पंचशी का। जैसे कि आप दो तीन दिन से चाइना 24 पे एक न्यूज़ देख रहे हैं कि मैंने दो दिन से तीन दिन पहले यहाँ पर सर्वे किया था, तो पंचशी का में कुछ ऐसे घर है जिनको अभी भी घर में खाने की दिक्कत है। तो आज सुबह में हम एक इंटरव्यू लिए थे मास्टर से, तो उन्होंने कहा कि उसकी हमें लिस्ट बना के दी जाए। तो वो लिस्ट अभी हम पश्चिम देशमुख जो यहाँ की घरपुर पंचशी का के इंचार्ज है, तो ये जो जिम्मेदारी है मास्टर साहब ने खुद कहा है कि ये जिम्मेदारी आपको पूरी करना है। पहला मकसद हमारा ये है आपके पास आने का। दूसरा हमारा जो सवाल है, ये लॉकडाउन का जो पीरियड है 4 महीने से, और इस ये जो चालू 10 दिन में शासन जो अपना काम कर रही है, शासन का जो फैसला है लॉकडाउन का, उस पर यहाँ के घरकुल की आपकी गुम्बारी घरकुल की उस पर क्या इफेक्ट हुआ? मैं सबसे पहले News 24/7 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ की समस्या जानने के लिए यहाँ तक हम तक पहुँचे और कुछ लोगों की लिस्ट भी दी। तो पहली बात, मैं हमारी सोसाइटी की तरफ से, मास्टर साहब की तरफ से, यहाँ पर आज पिछले 4 महीने में जो लॉकडाउन का पीरियड हुआ, तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर बसने वाले लोग कौन हैं। तो यहाँ पर बसने वाले वो लोग हैं जिनको सिटी में झोपड़पट्टी में भी खुद के घर नहीं थे, जिन्हें मास्टर साहब के प्रयत्न से आज शासन की कुछ सुविधाएँ लेकर आज 10,000 घर बने। बनाने के बाद यहाँ पर रहने वाले 100% कामगार जो है वो बीड़ी कामगार हैं, और उनके घर में या तो कोई रिक्शा ड्राइवर है या कोई यंत्रमा कामगार है। तो आज ये लोग बिल्कुल 4 महीने से रुके हुए हैं, पूरा कहीं पर भी आज उनको मदद नहीं है सरकार के थ्रू। कुछ गिने चुने शासन ने, आपकी बात काटता हूँ मैं, शासन ने कहा है कि जितने भी गरीब गुरबा जो लोग हैं उनको 3-3 महीने का अनाज फ्री दिया जा रहा है, वो आपको नहीं मिला? तो वो जो है जिसका नाम मतदान या रेशन कार्ड में जिनका नाम नहीं है, ऐसे तकरीबन 1200 लोगों को हमने यहाँ पर अनाज पहुँचाया है प्रांत अधिकारी के माध्यम से, कलेक्टर साहब के माध्यम से 1200 लोगों को, जबकि ये पूरे घरकुल में 10,000 घर में कितने लोग हैं? तकरीबन 46 से 50,000 तक लोग इस घरकुल में हैं। 1200 लोग क्या मतलब का? तो अभी ये जो बाकी के जो लोग है जिनका नाम रेशन दुकान में है, कार्ड है, मगर वो लोगों को लाने के लिए उनको सिटी में जाना होगा। अब सरकार के इतने कड़क नियम के बाद एक तो ये ऑटो से जा सकते नहीं, रिक्शा से जा सकते नहीं, और जाना बोले तो अगर 2 सीट की परमिशन है तो रिक्शा वाला तकरीबन 100-150 रुपए लेगा एक आदमी को जाने के लिए। तो ये सब जो अड़चन है, ये अड़चनों के लिए यहाँ पर अगर चाहते तो प्रशासन ये कर सकता था कि अ ब क में वो 3 अलग-अलग रेशन की दुकान ला सकता था, कहीं का भी रेशन कार्ड हो वो देकर उन्होंने उनके ऑनलाइन सिस्टम से उसको अपडेट कर सकते थे। मगर आज तकरीबन 1200 लोगों को अनाज दिया गया, फिर भी अभी भी 40 से 45,000 लोगों को अनाज नहीं पहुंचा है। उसमें कुछ लोग जाकर लाए शायद सिटी से, मगर आज भी यहाँ के 25 से 30,000 लोगों को अनाज नहीं मिले सर। उसके बाद कुछ सामाजिक संगठनों ने मदद की है, हम भी हमारी सोसाइटी की तरफ से, पक्ष की तरफ से, जो लोग एकदम मोहताज थे, क्योंकि घरकुल टोटल 90% यहाँ पर गरीब लोग हैं, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, फिर भी उसमें ऐसे लोग जो बहुत, जिस वक्त उनके घर में आज भूखे बैठने की कंडीशन थी, ऐसे तकरीबन 1,000 से 1,500 लोगों तक एक पैकेट किट, एक विविध संगठनों के माध्यम से हमने सोसाइटी में लीड लेकर ऐसे कुछ घरों की निशानदेही की थी कि साहब आप इनको पहुंचाओ, हम उनको देने नहीं गए। आज भी फिर भी प्रशासन की तरफ से भी 1200 लोगों तक हमने अनाज पहुंचाया है जिनके नाम रेशन कार्ड में नहीं थे, और ये सब करने के साथ साथ हमने यहाँ पर ऐसी आज तक कोई भी दुर्घटना नहीं। आज हम देखते हैं कि हर जगह कहीं तो कहीं कुछ तो कुछ हो रहा है, मगर आज घरकुल फिर भी इतनी बुरी हालत रहने के बाद भी आज लोग यहाँ पर इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो प्रशासन को भी उनको सोचना चाहिए इनके बारे में। जी बिल्कुल, आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी पार्टी के लिए News 24/7 की तरफ से, और यहाँ की जो जनता है, मास्टर की जो जनता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो जितने कार्यकर्ता है वो मास्टर को मसीहा मानते हैं, उनकी एक आवाज़ पे हज़ारों लोग वोट पर उतर जाते हैं। तो इस लॉकडाउन की पीरियड में मास्टर ने पर्सनल ये आपके कार्यकर्ताओं के लिए क्या किया? कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं ओपन माइक पर आपको नहीं बोल सकता, मगर हमने ऐसे लोगों की निशानदेही की थी, क्योंकि अगर हमने बताया कि इतने लोगों को दिया तो फिर बाकी के सब लोग को भी हमको देना पड़ेगा जी। तो मगर ऐसे कुछ घर है जिनको हमने पर्सनली सोसाइटी के माध्यम से, अडम मास्टर साहब के माध्यम से हमने कुछ किया है, वो अगर आज बोलेंगे तो बाकी के लोग लगेंगे फिर हमको क्यों नहीं, क्योंकि हम भी गरीब हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो ओपन माइक हम नहीं बोल सकते, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो जैसे कि मास्टर ने सुबह में हमारे न्यूज़ में उन्होंने ऐलान किया है कि 9 अगस्त को हम सरकार से, हमने एक मांग रखी है कि हर गरीब इंसान को 10,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलते तो 9 अगस्त को 50,000 लोग आंदोलन के लिए कलेक्टर साहब तक पहुँचेंगे। जब मास्टर के बैक साइड में 50,000 लोग मास्टर के पीछे है, तो जिसको मास्टर को लोग मसीहा मानते हैं, कुछ लोग भगवान भी मानते हैं, कुछ लोग हैं,
तो मास्टर ने इन लोगों के लिए क्या किया, ये मेरा आपसे सवाल है। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि मास्टर ने जो किया मैं ओपन माइक में आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि 50,000 लोगों को मास्टर साहब आज उनकी 60,000 पेंशन आती, जिसके अंदर से 20,000 वो पार्टी वर्कर्स के लिए देते, पार्टी के खर्चे के लिए देते, 20,000 रुपये उनकी फैमिली के लिए जाते, बाकी के कुछ पैसे उनके हैं। तो आड़म मास्टर साहब के पास ऐसी कोई उत्पन्न नहीं है कि चलो, या दूसरे नेताओं के सरकार आड़म मास्टर साहब भ्रष्टाचार नहीं करे सोए कि 20,000 का घर 30,000 को देते तो आज करोड़ों रुपये आड़म मास्टर साहब पर देते, 20,000 का घर 20,000 में लोगों को दिए, वो भी अच्छा दर्जेदार घर दिए। तो मास्टर या हमारी पक्ष या मास्टर साहब की जो रणनीति है, हमने कहीं किसी भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया। अब जो लोग परसेंटेज पर काम करेंगे, अगर उनके पास करोड़ों रुपए पड़ के ऐसे प्रेरणा में अगर लोगों की मदद करना, वो गलत है। हम 24 घंटे बरस के 12 महीने जब लोगों के लिए लड़ते तो हम खुद हमारे पक्ष में लेवी देकर हम रहते, दूसरे पक्षों के कार्यकर्ताओं को बुलाकर पैसे देकर सभासद बनाते। हमारे पक्ष के सिद्धांत, हमारे पक्ष के तत्व जो है, हम लेवी भरते साल में, हमारी कमाई का, गाड़ी कमाई का 2% हम पक्ष को चलाने के लिए देते, लोक आंदोलन के लिए देते। तो हम कहाँ से खर्चा करेंगे? 50,000 लोग हैं, मगर इतने 50,000 लोगों को तो हम खुद गरीबों की पार्टी ना, इसीलिए हमारा लोगों को आह्वान था कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता लो या कम्युनिस्ट आमदार आपके जब विधानसभा में जाएंगे तब आपकी ये सब बातों के लिए बारे में बोलेंगे। मगर उस वक्त क्या होता क्या मालूम नहीं, मगर आई निवडणूक के टाइम पर ये जो 50,000 का माफ है वो कहाँ से हट जाता, या वो ऐसी कौन सी मजबूरी आती कि वो लोग मास्टर में अपनी वो चीज़ उस वक्त नहीं जुड़ते, ये चीज़ समझ में नहीं आती। बाकी का पेट्रोल बढ़न दे, राशन बढ़न दे, क्या भी तकलीफ होंगे, लोगों को लगता है कि मास्टर मोर्चा काटता। तो मास्टर मोर्चा तो क्या मास्टर साहब को कलेक्टर पैसे भी से देते क्या एक मोर्चे को? तुम्हारे लिए आंदोलन करते ना, आज जो आंदोलन को हम लेकर जाते लोगों को, हमारी जो गाड़ी कमाई में से हम जो 2% देते वो जो पैसे ट्रांसपोर्ट को लगते हैं वो पैसे कहीं को दे रहे हैं, ये लोगों के आंदोलन के लिए दे रहे। तो उस वक्त लोगों को ये बात क्यों याद नहीं आती कि ये लोग हमारे लिए लड़ रहे? उस वक्त कुछ लोग, बहुत सी चीज़ें हैं, अभी इलेक्शन का टाइम नहीं है, तो खाने पीने के बात होगी, इसके अलावा भी यहाँ जो घरकुल में जितने घर, ये तो खाने पीने की बात होगी, इसके अलावा शासन से अब लोग क्या चाहते हैं कि जो लाइट का बिल वगैरह ये है? आने वाले 9 तारीख को हमने सरकार को आह्वान किया है, 10,000 रुपये आप 4 महीने से हमको घर में बटे सो है, आज हम कौन कर्जा करे कौन क्या करे, मगर एक जब से जब ये लॉकडाउन हटेगा, जैसे कि मैं आपकी बात करता हूँ कि अदर स्टेट में तेलंगाना गवर्नमेंट हो, वहाँ पर हर इंसान को हर घर पे 5,000 रुपये गवर्नमेंट दे रही है तेलंगाना गवर्नमेंट में, तो हमारी भी मांग, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी ये चीज़ होनी चाहिए। 9 तारीख को अगर सरकार हमारी मांगना ये मान्य नहीं करे, हमने मेमोरेंडम दिया है इसके पहले, 1,00,000 लोगों के हमने अर्ज भी दिए हैं कि ये मुस्तहिक लोग हैं सोलापुर सिटी के, अगर 9 तारीख तक इन मांगियों की मान्य नहीं होती तो 9 तारीख के दिन हजारों की संख्या में कलेक्टर ऑफिस को घेरा जाएगा, और जो भी हमारी अड़चन है जैसे कि लाइट बिल की माफ़ी, फिर अपना जो हर परिवार को 6 महीने तक मुफ्त अनाज, फिर ये 10,000 हर के खाते में महीने के, इस हिसाब से अगर नहीं माना गया तो 9 तारीख के दिन हम कलेक्टर ऑफिस का घेराव डालेंगे, या तो हमारी मांगना मान्य होंगे नहीं तो हम जेल में जाने के लिए तैयार। जी, अब ये जैसे जो चीज़ों पर अपना डिस्कस हो रहा था वो खाने पीने के मामले में मास्टर ने क्या किया प्रशासन के जनता के लिए और जनता ने मास्टर के लिए क्या किया, ये बातें चल रही थी। अभी ये बात है कि जो 4 महीने का जो माहौल है, जो कोरोना का माहौल चल रहा है, जो बीमारी का, उसके तलब से क्या कहना चाहेंगे कि आपके घरकुल में मैसेज? मैं तो प्रशासन का इस पहले तो इन सब चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज यहाँ पर कम स्कूल चालू है प्रशासन की, जहाँ पर फ्री में आपको गोलियाँ दवाया बाटलियाँ वगैरह उपलब्ध कराई गई हैं, उसी तरह अ में भी बड़ी पैमाने पर स्कूल चालू की गई है, उसमें प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का मैं पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ऐसे कुछ जगह थे जहाँ पर वो एक सामान्य जनता को देखे, ऐसे बहुत सी चीज़ें एक कॉम्बिनेशन होने की वजह से आज गुदुताई में कोरोना को मात देने के लिए गुदुताई के लोग सक्षम हुए। आज सिर्फ 6 एक्टिव केसेस आज के वक्त में सिर्फ घरकुल में है, हालांकि सिर्फ 6 है, हालांकि प्रशासन का सबसे रेड अलर्ट एरिया था जहां पर एकदम गुंजान आबादी थी, जहां के लोग अशिक्षित थे, फिर भी यहां पर सिर्फ और सिर्फ आज के पेड़ में सिर्फ 6 पेशेंट है, और ये मॉडल मेरे ख्याल से पूरे सोलापुर के लिए होना चाहिए कि जहाँ पर इतनी बड़ी बस्ती है, अशिक्षित लोग हैं, यहाँ पर आज के वक्त में 6 पेशेंट रहते हैं, यहाँ के लोग इतने जागरूक हैं कि अगर वो चीज़ों को अगर हैंडल कर रहे, उसमें मैं पुलिस प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने भी सख्ती की, मगर जहाँ पर उन्होंने जो आइन टाइम पर जो रात बेरा था, यहाँ 4 महीने से उनको एक भी आदमी को छुट्टी नहीं, रात बेरात वो भी काम कर रहे, फिर कुछ लोगों को क्वारंटाइन करने के हद तक, कुछ लोगों को समझाने के हद तक उन्होंने भी सहकार्य किया, विशेषकर प्रांत अधिकारी ज्योति पाटिल मैडम, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने 1200 लोगों तक जो पहुँचाने की मास्टर साहब ने जब उनको रिक्वेस्ट की, जिनके नाम नहीं है, तो एक आदमी को 10 किलो के हिसाब से अनाज,
और एक वो तो अगर किसी के घर में तीन लोग हैं उनका रेशन कार्ड में नाम नहीं है शोलापुर के नहीं, तो उनको ऐसा एक एक फैमिली को 30-40 किलो अनाज जो पहुंचा, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। फिर जितने कोरोना वॉरियर्स हैं, जितने भी लोगों ने यहाँ काम किया, मैं उन सबका आराम मस्तर साहब की तरफ से, गुरु तेग निर्माण संस्था की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगा। तो सर न्यूज़ 24 में सभी आप लोगों का स्वागत है। मेरे साथ अभी समीर देशमुख थे, ये आपके ऊपर हमने एक जिम्मेदारी दी है जो कंसिस्टेंसी काम है, जो जो जितने मेंबर है आप जब भी खाना जब पहुँचाएंगे, अनाज जब पहुँचाएंगे हमें कॉल कीजिए। इसके बाद अब तक ये मास्टर साहब ने कहा कि ये लोगों को दो दिन तक यहाँ पर उनके घरों तक पहुँच जाएंगे। कोशिश हम करेंगे 5 किलो अनाज जो हमने जो भी है वो जो भी सबके बराबर जो भी है सबके बराबर इतने घरों में आपकी जिम्मेदारी है। और आप इसमें से कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनके जो रिपीट हुआ है नहीं, ऐसे भी आपको मिलेंगे और आप उनको पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने तकरीबन पंचायती में अभी तक पूरे क में हर एरिया में टप्पे वाइज तकरीबन 200-300 लोगों को दिया है। सबसे ज़्यादा जो सामाजिक संगठनों ने जो मदद की है वो क में ही सबसे ज़्यादा की है। फिर भी आप बोल रहे हैं तो देखकर आप चौकसी करके छूटे हुए उनको दीजिए, छूटे हुए लोगों को देने की कोशिश करिए। जितने लोग ये तो हमारे घर के लोग नहीं है, नहीं नहीं हम यहाँ के नहीं है, जितने लोग आप लोगों ने दिया भी होगा उनको तो वो कितने दिन पहले की बात है, 5 किलो 10 किलो अनाज कितने दिन चलेगा। नहीं बिल्कुल आपकी सभी मास्टर की जुबान थी जो नाम है उतने आप पहुँचाइए। 24 से मेरी टीम पूरी और जुनेद चंदा।